हेलो फैमिली, वेलकम वेलकम बैक टू अवर चैनल वी आर बहल ब्रदर। तो गाइस आज का व्लॉग लेने वाले एक बार दोबारा से हमारा हैशटैग मजेदार मंडे। तो मजेदार मंडे में ये होता है कि आपके मन चाहे जो क्वेश्चन होते हैं हम उनका जवाब देते हैं आपको। जो भी आपके सवाल होते हैं सैटरडे या संडे को जो पोल डलता है उसमें पूरे वीक में जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं उसका हम आपको मंडे में जवाब देते हैं। तो फटाफट चलते हैं वीडियो में और एंजॉय करते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। ये पूछा है जसमीत गिल ने, और योर फेवरेट फैन आपका जो भी आज तक का रहा हो फेवरेट फैन। फेवरेट फैन एक्चुअली एज सच कोई पर्टिकुलर नहीं रहता है, बिकॉज सारे के सारे फैन हमारे फेवरेट ही रहते हैं। सभी अच्छे हैं, मतलब ये नहीं होता कि जो गिफ्ट दे दे वो हमारे लिए अच्छा है, मतलब जो भी है दिल से अच्छा होता है। मिलते रहते हैं, मतलब बहुत से फैंस एक होते ना इनसेन लेवल के। जैसे एक बार क्या हुआ था, मैं मेरे को किसी फैन ने टॉप फ्लोर से, मतलब एकदम मॉल के टॉप फ्लोर से देख लिया था। माइट भी मतलब मैंने तो उनको नहीं देखा, तो ऑब्वियसली बात है इतनी ऑडियंस मुझे नहीं पता कौन से फैन होगा उसमें। तो एकदम भागते 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 मैं ऊपर से भागते भागते आई हूँ। आई वाज लाइक यार मेरे को बहुत मतलब अच्छा लगा। मेरे घर पे आए थे फ्रेंड्स भाग भाग के, मतलब फ्रेंड्स नहीं थे फैंस से, तो आए शेयर कर रही थी उनकी बॉडी। हाँ मतलब वो ना काम पर रहे थे ऐसे, तो मैं ना वैसे काम पर, मैं भाई क्या हुआ, कहता कहता कुछ नहीं भाई भाग के आया हूँ। वो समझ तो गया कि मतलब वो हो जाता ना कई बार जब कई बार नए पर्सन को मिलते हैं फिर ऐसा वाला कुछ। तो फिर मैंने उसको मैं भाई टेंशन मत ले अंदर आके, मैं अंदर आके फोटो खींचते, तो वो था थोड़ा। तो बहुत सारे फैंस होते हैं। तो अभी चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल पूछा है जी हमसे रचना 2005 ने, दिवाली वाले दिन की स्पेशल करोगे? दिवाली वाले स्पेशल वही करेंगे जो करते हैं हमेशा। स्पेशल की करना है, व्लॉग बनाएंगे थोड़े लिए, जो भी करेंगे आप तो हम देख फन करेंगे, वीडियोस बनाएंगे। पर फिलहाल ले जब देखे जाए तो हार्डकोर वाले आजकल ना त्यौहार होता है रहे नहीं जितना पहले होते थे। प्रैक्टिकल जी गलती, पहले क्रैकर्स बहुत चलाते थे ऐसे, मतलब बहुत, मगर इस होना बिल्कुल। अभी हमने काफी टाइम होकर क्रैकर्स वगैरह छोड़ दिया, पैसे ले लेते घर वालों से, ऐसी बात नहीं है कि हम छोड़ेंगे, पैसे ले लेते घर वालों से। और बाकी देखते हैं क्या, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, फ्रेंड्स को मिलेंगे, अभी पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या होती है। कुछ कपड़े वपड़े ये गिफ्ट आते हैं घर पे, गिफ्ट देने जाएंगे, सब कुछ होगा। तो जो जो रहेगा आपको दिखाते रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो चलते हैं, ये पूछा है पक्के सिरसे वाले मैसेज लवर, ये आईडी का नाम है इनकी। यार पहले तुमने रील बनानी स्टार्ट की थी या आपके भाई ने? किससे पूछ रहे हो, मेरे से या इससे? मेरे से पूछ रहा हूँ कि मेरे आईडी पे रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा बताओ फिर। तो मेरे हिसाब से रील का अगर बोला जाए तो रील हमने पहले मैंने स्टार्ट की थी। हाँ मतलब जो भी वीडियो इसने स्टार्ट की थी पहले मैंने इसको देख के स्टार्ट की थी, तो रील मैंने पहले स्टार्ट हमने की थी। तो अभी चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जी एडिक्टेड टू बहल ब्रदर्स फैन ने, थिंग्स यू वांट टू डू इन फ्यूचर, फ्यूचर की करना चाहते हो? फ्यूचर जब बहुत कुछ करना है, सोचा ने बहुत कुछ करेंगे दिखावांगे, हमने दस साल फिर वजन लगूगा वो चीज़। फ्यूचर तो बहुत ज्यादा गोल्स ने काइंड ऑफ, जितना हम अपन रील वगैरह कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, तो फर्दरली इफ इंडस्ट्री का सानू कोई चांस मिलता है हो गया। या फिर और कुछ ऑप्शंस होते ने तो वो सब दिखावांगे तानू एक एक करके स्पेशल, दिवाली स्पेशल होता फ्यूचर स्पेशल जो भी रहेगा, एक एक पल की खबर होती रहेगी फर्स्ट ही ब्लॉगिंग स्टार्ट रखे हो तक। ठीक है दो क्वेश्चन है ना दे, एवरलेक्स स्मेल ऑफ पेट्रोल पेंट और एनीथिंग गॉड ब्लेस यू तरक्कियां करो, मतलब कोई पेट्रोल पेंट अगर इसमें स्मेल करने की कोशिश करती है। हां हां पेंट नो पेट्रोल नो भी कितनी बहुत बार जब कई बार हाथ पे डोल जाना थोड़ा है तो स्मेल वगैरह करने की कोशिश की है, सो इट्स अ नॉर्मल थिंग, बहुत लोगों ने कर रखी है। अगर आपने भी कर रखी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये पूछा है हरजीत सिंह ने, प्रिंस भाई आप अरमान बेदी जैसे दिखते हो, पहले आपको किसी ने कहा लेकिन मुझे तो आप लगते हो? अभी कल ही मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को कहा, मतलब हाँ कई कहते हैं मेरे को नहीं लगता, मगर जैसे कई मेरे को बाहर मिलते हैं, उस दिन मैं पार्क में वीडियो बनाने गया तब भी मेरे को किसी ने कहा कि आप अरमान बेदी जैसे लगते हो, काफी कहते लगते लोग, मगर कभी मिलूंगा उनसे तो फेस मिला के देखूंगा कि लगता है नहीं लगता। बहुत जल्द शायद उनसे मिलना हो जाए, फिर आपको इकट्ठी फोटो दिखेंगे फिर आप बताना लग रहे हैं कि नहीं। हाँ कि प्रिंस बेल कौन है और अरमान बेदी कौन है। अभी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल पूछा है जी प्रिया चावला ने, एक्सप्लेन वन वर्ड अबाउट लाइफ। स्ट्रगल, हमें सेम बोला था, स्ट्रगल ही बोल सकते हो, स्ट्रगल चल रहा है क्योंकि सब चीजें इसमें इंक्लूड रहती हैं। स्ट्रगल में आपकी पॉजिटिव साइड भी दिखती है, स्टडी से लेके मतलब जो भी काम करेंगे वो स्ट्रगल में निकल जाता है हमारा, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड जो भी है हर चीज में स्ट्रगल आपका रहेगा रहेगा। अगर आपको उठ के पानी पीना तो भी स्ट्रगल चलना पड़ेगा, मेहनत हार्ड वर्क, मतलब एक वर्ड बोला तो स्ट्रगल बोलेंगे उसको। अभी चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है चारू गोयल का, हैशटैग मजेदार मंडे, दिस इज फॉर प्रिंस,
क्या करण आपको उंगली पे नचाता है? उंगली पे नचाला ओ छोरी उंगली पे नचाला। ना ना उंगली पे नहीं नाचते हम, किसी के नाचते इसकी कहाँ से नाचते। उंगली उंगली पे कोई नहीं नचाता है गाइस, अगर आपको लग रहा है ऐसा तो आप बहुत बड़े वहम में हो। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जी ऑफिशियल शिवानी ने, ओनली 35 डेज 840 आवर्स 5400 मिनट्स लेफ्ट फॉर प्रिंस बर्थडे, लॉट्स ऑफ लव, होप यू विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच। इतना फोकस के साथ आपने ये देखा। तो किसी को नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट मंथ 5 दिसंबर को मेरा बर्थडे आ रहा है, तो जिसने से मेरे को गिफ्ट भेजने वो रहने देना, मैं अपना बैंक अकाउंट दे दूंगा उसमें, पेटीएम डाल देना, हां पैसे भेज देना। तो गाइस 35 डेज अभी तो कम रह गए, तो चलते हैं। तहे दिल धन्यवाद, हुन आपां चलदे आं अगले सवाल की तरफ। जड़ा पूछा गया है जी मयूर भगेल, भगेल ने, आपको बोर्ड के एग्जाम में कैसा फील हुआ था, आपके पास कितने जोड़ी कपड़े हैं? बोर्ड के एग्जाम में पहले हमारे था कि हमारे स्कूल में फिफ्थ की भी बोर्ड थी, मगर जब हमारी नहीं हमारी बारी हुई थी, नहीं फिफ्थ की बोर्ड थी, जब मैं फोर्थ में जाता फिफ्थ की खत्म होगी। हाँ, जब मेरी मैंने फिफ्थ की बोर्ड दी, फिर मैंने टेंथ की बोर्ड दी, मगर बोर्ड इतना नहीं था, मतलब सही था, इतना टफ नहीं लगा। हमें टफ इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमारे स्कूल में ही था, हमारा सेंटर हमारा स्कूल ही था, तो हमारे टफ नहीं था। अलग अलग स्कूल होते हैं ना, हमारा हमारे स्कूल में था, हमारे टीचर से। बट कुछ फर्स्ट डे अगर आप बोलो तो लगता है थोड़ा जी क्या होगा कैसे होगा। एक टीचर आए थे हमारे पास, मगर वो हमारे ना नेबर ही थे तो हम जानते थे, तो हम आराम से पेपर करते थे। उस दिन बहुत आराम से हो गया सारा सी। आगे पीछे थोड़ा थोड़ा दिक्कत आती है, तो पहले दिन थोड़ा सा टफ रहता है, बट एज सच अगर बोले कुछ अलग है वो नहीं है, सिर्फ स्टाफ चेंज होता है। और कपड़े हमारे पास बहुत था, हम एक दूसरे के पहन लेते, ये भी मेरी पहनी हुई इसने, ये मेरा ही है, ये भी मेरी है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि हमने अपना विंटर कलेक्शन सारा दिखा दिया, ठीक है, तो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारा आपको पता लग जाएगा। विंटर थोड़ा लिखा होने के कितने कपड़े जो मैं बता रहा हूँ कि विंटर्स वाले अगर आपको देखने हैं तो हमने वार्डरोब टूर दे रखे हैं, आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। हाँ। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल ऐसे है, पहले अच्छा मेरी बारी है, नेक्स्ट सवाल है रिया, नेक्स्ट सवाल है रिया सचदेवा 2699, अगर आपको पंजाबी मूवी के लिए ऑफर आएगा तो आप क्या करोगे, मूवी में जाओगे या रील और ब्लॉगिंग को कंटिन्यू करना पसंद करोगे? मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। नहीं, मैं तो मूवी में जरूर जाऊंगा। कब तक यहाँ से बैठे रहेंगे, आगे बढ़ना है? मैं अगर बात करूँ तो मैं दोनों चीजों को कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा, अगर पॉसिबल हो पाएगा। नहीं, अगर पॉसिबल, अगर अगर ऑप्शन ही एक हो कि ये करेंगे या वो करेंगे, क्योंकि सारा दिन अगर वहीं पे निकल जाए, फोन तुम्हारे पास ना आओ, तो ऑप्शन तो नहीं, मैं तो बंदा रख लूंगा अपने साथ, बंदा रख लूंगा, मतलब तो गाइस मेरे हिसाब से अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो आपको टाइम टाइम अगर अपडेट देना पड़े मुझे, बिकॉज एज अ स्टार्टअप मुझे ऑब्वियसली बात है जो भी रोल रहेगा जैसे भी रहेगा उसमें मैनेज कर पाऊंगा। फर्दर लेकर चीजें थोड़ी बड़ी लेवल पे जाती हैं, ऑल यू नो कोई भी होगा तो आगे बढ़ने के लिए वो बड़ा कदम उठाएगा। बिल्कुल। तो अभी चलते हैं अगले सवाल की तरफ बड़ा कदम उठाते हुए। तो ये क्वेश्चन पूछा है मुस्कान अरोरा ने, मंडे, आपका फेवरेट फैमिली मेंबर, लव यू लव नॉर्मल लाइफ और ट्रेंडिंग लाइफ? आई लव ट्रेंडिंग लाइफ, मतलब नॉर्मल तो चलो बहुत देखा टाइम देख के, मतलब ट्रेंडिंग में होना चाहेंगे, और बाकी फैमिली मेंबर हमारे सभी फेवरेट है, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि एक चार बंदे तो फैमिली में क्या फेवरेट क्या नहीं फेवरेट, मिलना क्या सुबह उठते हैं, सब सुबह हम उठते हैं, पापा चल जाते हैं काम पे, रात को जब घर आते पापा सोए होते हैं, मम्मा से थोड़ी बहुत ही खाना बिना खाना है, वापस आना, ये बैठा रहता है मेरे पास। तो नॉर्मल लाइफ या ट्रेंडिंग लाइफ, लेव मतलब मूड पे डिपेंड करती है चीजें, कभी कभार क्या होता है बंदे को होता है कि ठीक है सब छोड़ छोड़ के आराम से बैठ जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ना कोई वीडियो ढूंढनी थी आज, तो मैंने इतनी वीडियो सुनाई रील की, एक तो वाईफाई नहीं चल रहा आज, ठीक है थोड़ी मुश्किल आ रही है, तो मैं नीचे घर ही जा रहा हूँ, जब मुझे वीडियो मिल नहीं रही तो उस टाइम इतना गुस्सा तो नहीं है कि मैं क्यों इतनी रील्स बनाता, थोड़ी कम बना लेता तो मिल जाती वीडियो, मतलब इतनी ज्यादा आजकल रील्स बिल्कुल नहीं मिल रही है, बहुत सारे साउंड हमने ऑलरेडी बना चुके, बार बार मन नहीं करते सेम सेम पे बनाने पे। और अगर आज ब्लॉग लेट होता है तो आपको पता लग चुका है पहले कि वाईफाई का थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, सो बी कोऑपरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जी अंजलि कपूर 2444, मेरा क्वेश्चन प्रिंस जी से है, आप करण जी से बहुत लड़ते हो, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि आप मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई का जवाब नहीं देते हो। हाँ ये तो हमें पता है, हम तो लड़ते हैं, हमारी हैबिट हो गई है, जैसे खाना पीना हैबिट हमारा, लड़ना हैबिट है। खाने के बाद जैसे रेस्टोरेंट में मीठा मिलता है वैसे हमारे घर मिलता है, मुक्का 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 कुछ नहीं मिलता है, हम वर्बली लड़ते हैं, वर्बली दंगल होता है हमें। तो अभी है
अगला सवाल जानवी 1227 का, तू ही बोल ले फिर, मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग प्लीज कोई टिप्स दो ना, बिकॉज अब मैं कॉलेज में जाने वाली हूँ, सो इट विल बी ग्रेट अगर आप कुछ टिप्स दे दो फॉर कॉलेज फ्रेशर्स। बाकी आपको ना अलग अलग कॉलेज के हिसाब होते हैं, जैसे आप कॉलेज जाओगे आपको पता लगेगा वहाँ का कैसे है, मतलब वातावरण एनवायरमेंट तो बहुत आवाज आ रहा है पहले तो। हाँ, तो कॉलेज में जाके पहले अलग अलग होता है, हम जैसे हमने देखा था मूवीज में कि बहुत क्या कहते हैं उसको, अगर आपको लग रहा है स्टूडेंट ऑफ द ईयर या फिर ऐसे वाले आपको कॉलेज मिलने वाले, तो आप बहुत 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 बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपको दिखेगा काइंड ऑफ सासीनेस, जो सीनियर्स होते हैं हमारे क्या करते हैं लेग पुलिंग या फिर वो कर देते हैं क्या कहते हैं उसको तो पहले होता था, मगर जब मैं भी कॉलेज में मेरे को भी लगा ऐसे होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। आप पहले दिन जाके आपको आप जज नहीं कर सकते एक दिन में किसी को। मैं आपको नॉर्मल से अगर बात बताऊं पर्सनल लेवल पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आजकल के कॉलेज भी स्कूल की तरह हो गए, कुछ अलग नहीं रहते, सिर्फ आपके ड्रेस चेंज हो गए। हां वहां पे ये होता है कि अगर आप एक कपड़े दो दिन पहन के चले जाओ ना, दो बार पकड़ लेते हैं वो, मतलब काइंड ऑफ लोग फैशन वगैरह को थोड़ा ज्यादा एनहांसमेंट देते हैं। बाकी आपको मैं नॉर्मली ये बोलना चाहूंगा कि जल्दी किसी पे ट्रस्ट मत करियो, एक्सपीरियंस होते हैं। हां जल्दी किसी पे ट्रस्ट मत करियो ज्यादा, मतलब सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप कॉलेज अभी लग ही रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको स्कूल लाइफ की तरह जीना चाहिए कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आपको बाहर की एक्टिविटीज में पार्ट लेना चाहिए। मैंने नहीं लिया था, बाहर की एक्टिविटीज में पार्ट लोगे तभी आपकी कॉलेज लाइफ एकदम मेमोरेबल हो पाएगी, आप लोगों को बता पाओगे, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। स्पेशली गेट कीपर के साथ बना के रखना कभी कभी काम पड़ जाता है। ये थोड़ी सीक्रेट टिप थी। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो पूछा गया है खुशी कुमारी 0447 ने। यार एक ही सवाल है आपसे कि पास्ट की वजह से प्रेजेंट खराब हो जाता है, एंड प्लीज रिप्लाई। पास्ट की वजह से अगर आप सोच ही जाओगे इसके बारे में तो जरूर खराब होगा, अगर आप मूव ऑन करोगे तो नहीं होगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि मूव ऑन करना इतना इजी नहीं रहता है, वी नो दैट, बट क्या रहता है अगर आप पास्ट की किसी भी चीज को लेकर सोच रहे हो, फ्यूचर के गोल्स को लेकर सोचना शुरू कर दो। अगर आपको पास की कोई भी लाइफ चीज परेशान करे, कोई पर्सन परेशान कर रहा है, तो फ्यूचर में जो आएगा या प्रेजेंट में जो चल रहा है उसके बारे में सोचो, अदरवाइज पॉसिबल है तो देखिए या मेडिटेशन। अपने पास की चीजें संभाल के रखी होती है, जब उसको बार बार देखते हैं तो उनको हमारा आपको पहले माइंड अपना वॉश करना पड़ेगा कि पुरानी वाली चीजें बिल्कुल खत्म कर दो। मेडिटेशन और रेकी इफ पॉसिबल है तो करो, ज्यादा नहीं 5 मिनट 10 मिनट करोगे स्टार्टिंग में, इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशिका बत्रा, हैशटैग मजेदार मंडे, प्रिंस की इस बर्थडे की विश लिस्ट क्या है? क्या चाहिए आपको इस बर्थडे? मेरे को ये मेरा फेम मिलने के बाद पहला बर्थडे है, मतलब मेरे पिछले बर्थडे पे चाहिए क्या क्या, ये तो सबको पता लग गया। चाहिए मेरे को एक, चाहिए मेरे को R15, एक गाड़ी। ये तो हवा है ना, ये ऑब्वियसली बात है, बंदा पूछता है जेन्युइन सी चीज, बंदा लगता है कि हाँ ठीक है। नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए यार, मेरे को बस प्यार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये तो देंगे भी नहीं कुछ भी, ऑब्वियसली बात है। नहीं मेरे को सच में चाहिए कुछ, चाहिए क्या, लैपटॉप चाहिए था, लैपटॉप मिल गया, जो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं, कि तेरे को देख लेके दिया ना तू, देख तेरा बर्थडे की लिस्ट पूछिए, मेरा नहीं, मेरे को चाहिए नहीं कुछ, मेरे फ्रेंड्स को मिलने आ जाए, सर श्री अकाल, कुछ नहीं चाहिए था सर नो, ठीक है। बाकी आपने आपकी इच्छा है, आपने कुछ भेजना है तो भेज दीजिए, और क्या अगला सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साक्षी तोमर 9988 # मजेदार मंडे। वैसे तो आप मेरा क्वेश्चन लेते नहीं, पर फिर भी लास्ट पॉइंट ट्राई कर रही हूँ, दोनों नंबर मेरा बर्थडे है, प्लीज विश मी हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको बताना चाहेंगे आज मेरे पापा का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत 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 तरक्कियां करो तुसी, तक पा दो तक, पार्टी दी कोई चक्कर नहीं यार, पार्टी पेंडिंग पेंडिंग बस देख लेंगे, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि साडा भी आ रहा है ना, ताके अगला ये पूछा है ऋतुजा गिरी # मजेदार मंडे, मतलब इनके 5 क्वेश्चन है, मतलब रैपिड फायर 7 होंगे शायद, 7। तो पहला है वेज नॉन वेज दोनों, GF BF forever, best friend forever, BFF, हां BFF, कैट डॉग डॉग कोई भी नहीं, फैमिली फ्रेंड फैमिली, मेरे को भी जवाब देना है, 2 मिनट भी रुक रहा है, फटाफट भाग फटाफट बोलना, अपनी बात तू बोलो, तू भी कर फटाफट दे जवाब। हां तो मेरे को तो बोल, एक्टिव कैट एक्चुअली बोल, फैमिली फ्रेंड्स फैमिली फैमिली, स्टडी गेम्स
गेम्स अभी स्टडी स्टडी तो मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं है ट्रैवलिंग स्लीपिंग ट्रैवलिंग कार्टून ये तू बोल रहा है ट्रैवलिंग और स्लीपिंग ट्रैवलिंग इतना सोता है ये सोता तू खराटे मारता है इतने अभी सुबह देखो बताता हूं आपको मैंने वीडियो दिखाई थी ना इसकी भी दिखाऊंगा कौन खराटे मारता है मेरे पास है कार्टून मूवी मूवी ऐसे तो एंड लव यू बॉट लव यू टू लव यू टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जी फ्रीडम लवर ने प्यार में धोखा कैसे मिलता है क्या आप जवाब दे सकते हो या नहीं और क्यों मिलता है हाँ और क्यों मिलता है तो देखिए हमें तो मिला नहीं हमें पता नहीं है ठीक है ना हमने प्यार किया है ना हमें पता है तो जो मुझे लगता है मिलता है वो इसलिए होता है कि आपके एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाते हैं पर्सन से फिर वो फुलफिल नहीं कर पाता आपको गुस्सा आता है वो किसी चीज के लिए आपको फोर्स करता है आप नहीं करते तो वो पीछे हटने की कोशिश करता है तो तब आपको धक्का लगता है ये मेरे पे बीती है इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस पे नहीं बीती हाँ इसको धक्का लगा हुआ है तो गाइस प्यार करो यार अपनी फैमिली से करो अपने फ्रेंड से करो रिलेशन में मत आओ आना है तो पूरा ट्रस्ट करो पहले टाइम और हाँ पूरा टाइम लो ये नहीं आप आज मिले कल आप ऑफिशियल कर दो भाई यार क्योंकि पहले जब मिलता है वो अपना अपना कहता है ना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा डालता है कि सामने वाला इंप्रेस हो उसको समझो परखो उसके बाद अपना ग्लास चप लो मैं चाहे नहीं आया रिलेशन में पर मैं बहुत अच्छे एडवाइस मैंने उसको समझाया इस चीज के लिए हां तू समझाएगा बट नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है सिम भाव ने ये भी मुझे रैपिड फायर लग रहा है अडल्ट चाइल्ड आई थिंक चाइल्ड हां चाइल्ड रेनी डे स्टॉर्मी नाइट स्टॉर्मी नाइट हाँ ये क्यों राइटर रीडर राइटर रीडर आर्टिस्ट पॉलिटिक्स आर्टिस्ट आर्टिस्ट नाइट ऑल अर्ली बर्ड नाइट ऑल फॉर श्योर नाइट ऑल कंजर्वेशन डार्लिंग कंजर्वेटिव डेयरिंग अच्छा ये बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी ऐसे लाइक कंजर्वेटिव डेयरिंग अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना और नेक्स्ट मजेदार मंडे आएगा नेक्स्ट मंडे को और उसके बीच में आने वाली है दिवाली 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 अभी नहीं करेंगे बिकॉज़ आई है दिवाली सुनो जी घर वाली तेरे कंगने ने दिल धड़का तेरे कंगना मेरा आ जाएगा तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी बाय लव यू